हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूँ अमेजिंग प्रसाद में। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी हिट कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जितना हो सके नम्र बनो और दूसरों को क्षमा करने वाले इंसान बनो। किसी को भी कष्ट, दुख, परेशानी का कारण न बनो। क्षमा मांगना और क्षमा देना सीखो। यही वो गुण है जो आपको एक अलग पहचान दिलाएगी। आगे चलकर आप एक सच्चे इंसान बन पाओगे। अगर यह गुण आपके अंदर है तो भले ही दुनिया आपको हरा दे, लेकिन आप अपने नज़रों में कभी गिर नहीं सकते, कभी गिर नहीं सकते। दोस्तों, गौतम बुद्ध किसी बाग में विश्राम कर रहे थे, तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सर पर लग गया और खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने यह देखा तो भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उनके पास गए और उनके चरण पकड़ लिए, उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चा कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई है, मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपके आंखों में आंसू आ गए। इस पर बुद्ध ने कहा, बच्चों, मैं इसलिए दुखी हूँ कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ डर दे सका। कहने का मतलब इतना ही है कि आप अपने नज़रों में ऊपर उठो। आपको लगना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, वह मुझे मेरे नज़रों में नीचे नहीं गिरने देगा। नहीं तो आप कितना भी पैसे कमा लो, कितना भी बड़ा महल बना लो, कितने ही बड़े पद पे पहुंच जाओ, दुनिया की नज़रों में भले ही आप एक कामयाब इंसान हो, लेकिन जब खुद के नज़रों में कामयाबी नहीं हो तो आप यह कामयाबी किस काम की? आपकी आत्मा आपको ज़िंदगी भर कोसती रहेगी। इसलिए जो करना है उसे सही ढंग से करें, ईमानदारी से करें, क्योंकि आप अपने आप को तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने आत्मा से झूठ नहीं बोल सकते, अपने आत्मा से झूठ नहीं बोल सकते। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आपके अंदर एक जोश, जज्बा, जुनून भरने के लिए। तब तक ले, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।